दोस्तों, अगर आपको कमर के बगल में बटक्स के साइड में अगर आपको दर्द रहता है और वह दर्द अगर आपके पैरों में भी जाता है और पैरों में खिंचाव सा या फिर एक झिमझिम सा महसूस होता है, तो बहुत चांस है कि आपको सियाटिका हुआ है, वो भी पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से। मगर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कुछ इफेक्टिव होम एक्सरसाइजेस से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुनीत, आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट, और इस वीडियो में मैं बात करूँगा हाउ टू ट्रीट सियाटिका ड्यू टू पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके कमर के बगल में दोनों तरफ या फिर एक तरफ बटक्स के इस तरफ अगर दर्द रहता है और वह दर्द अगर पैरों में भी अगर वो उतरता है, वह दर्द पैरों के पीछे की तरफ खिंचाव सा महसूस होता है या फिर झिमझिम सा महसूस होता है, तो बहुत चांस है कि आपको वो सियाटिका हुआ है पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से। हम पहले से ही जानते हैं कि सियाटिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है स्लिप डिस्क, जिसके बारे में पहले ही मैंने डिस्कस किया। आप ये ऊपर दिए गए लिंक पे आप जाकर के उसको फिर से देख सकते हैं। मगर इसका और एक कारण है पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम। सियाटिका में होता यह है कि सियाटिका नर्व दब जाता है, इसीलिए वह जहाँ जहाँ सियाटिका नर्व पास होता है हमारे पैरों के पीछे पीछे, वहाँ वहाँ आपको खिंचाव महसूस होता है। तो पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम में होता यह है, हमारे शरीर में बटक्स के साइड में एक मसल्स होता है जिसे कहते हैं पायरीफॉर्मिस मसल्स। यह मसल बहुत ही बिजी मसल है। जब भी हम बैठने वाला काम करते हैं, जैसे बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, या फिर जैसे ड्राइवर्स लोग होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स जो लंबे लंबे समय तक गाड़ियाँ चलाते हैं, तो लंबे समय में तक बैठने की वजह से वो पर्टिकुलर पायरीफॉर्मिस मसल में हमेशा एक खिंचाव सा लगा रहता है, हमेशा एक खिंचाव बना रहता है, जिससे होता यही कि वह मसल धीरे 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 सख्त होता जाता है और वो टाइट हो जाता है। हमारा जो सियाटिक नर्व है वो कमर से निकलता है और वह मसल्स के अंदर से ऐसे अंदर से होते हुए पास होकर के फिर हमारे पैरों में जाता है। तो जाहिर सा बात है कि अगर वह मसल्स टाइट हो गया हो तो वह सियाटिक नर्व को भी दबाएगा और उसमें इरिटेशन पैदा करेगा और वह दर्द पैदा करेगा हमारे पैरों में, खिंचाव पैदा करेगा, साथ ही साथ हमारे बटक्स के साइड में भी दर्द महसूस होगा। मगर ये कुछ दो तीन बहुत ही अच्छे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, अगर आप उसको रेगुलरली करेंगे तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, उसके लिए आप पहले लेट जाएं, ऐसे लेट जाएं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड में दर्द है तो आप लेफ्ट पैर को इस तरह से रखें, फिर अपने दोनों हाथों से घुटनों को ऐसे पकड़ें और उसको खींचे ऐसे करके। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सीधा नहीं खींचना है, इस तरफ नहीं खींचना है, आपको इस कंधे के डायरेक्शन में, ओपोजिट कंधे के डायरेक्शन में, ओब्लिक डायरेक्शन में खींचना है ऐसे करके। अगर आपको दूसरी तरफ दर्द है तो आप इस तरह से करें और दूसरा पैर को ऐसे करके करें। यह बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है और इसमें आपको इस पोजीशन में 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है, कम से कम 1 मिनट तक, और इसे आप एक सेशन में 2 बार या 3 बार कर सकते हैं, और इसे आप दोहराएं, दिन में 2 या 3 बार दोहराएं, सुबह में शाम में इस तरह से दोहराएं। दूसरा प्रकार का स्ट्रेचिंग है, आप बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको करना है कि मान लीजिए इस तरफ का आपका प्रॉब्लम है, इस तरफ का बटक्स का, तो आपको इस पैर को इस पैर के ऊपर में ऐसे रख देना है, उसके बाद ये हाथ पीछे लेना है और फिर आगे की तरफ झुकना है ऐसे, तो आपको यहाँ एक खिंचाव सा महसूस होगा। यह पोजीशन भी आपको 1 मिनट तक कम से कम होल्ड करके रखना है, इसे भी आप एक सेशन में 2 से 3 बार करें और दिन में 2 बार या 3 बार करें। उसी तरह से अगर आपको दूसरी तरफ दर्द है तो इस तरह से ऐसे करें। और हाँ दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप चेयर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं। देखिए ये कैसे करना है। तो दोस्तों, ये तो था स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मगर एक सिचुएशन ऐसा भी आता है कि आपकी काफ़ी दर्द होता है, बहुत सीवियर पेन रहता है, उस समय में एक्सरसाइज कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो उस समय में आपको पहले वो सीवियर पेन को कंट्रोल में लाना है। उसके लिए बहुत सिंपल सा टिप्स है, आप कोई भी बढ़िया सा पेन बाम लीजिए, मलहम लीजिए, उसको अच्छी तरह से उस एरिया में मल लीजिए और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आप उसमें गर्म सेक दें,
कम से कम 10-15 मिनट तक गर्म सेक दें। बहुत ही बढ़िया टिप है, आपको जरूर इससे फायदा होगा। इसे भी आप दिन में 2 बार करें, मगर सोने से पहले जरूर 1 बार कर लें। जैसे ही आपका सीवियर पेन 1 बार खत्म हो जाता है, इसके आप ये जो मैंने 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताए वो आप दोबारा से कर सकते हैं। बैक पेन के ऊपर में मैंने एक बहुत ही बढ़िया सीरीज बनाया है, आप वो सीरीज आप यहाँ जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।